हलवाई स्टाइल प्याज के पकौड़े बन रहे हैं आज पूनम्स किचन में, कुरकुरे और क्रिस्प। ये सुनिए आवाज, और ये भी सुनिए, है ना बहुत ही क्रिस्प पकौड़े। ये पकौड़े बनाते समय कुछ चीज़ों का रखना है खास ध्यान, और कुछ चीज़ें ऐसी जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्राई करने के दिखाऊंगी दो अलग अलग तरीके, एक तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल और एक घर में जैसे करते हैं। वीडियो में शेयर करूंगी बहुत सारी टिप्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं प्याज के पकौड़े, वह भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। मैं यहाँ 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले रही हूँ, वज़न में ये है 350 ग्राम। इन प्याज को छील लूँगी और अब इन्हें काटना है पतले पतले स्लाइसेस में, लेकिन उससे पहले हमें निकाल देना है प्याज का यह कोर, जिसे प्याज की आँख भी कहते हैं। अगर यह नहीं निकालेंगे तो फिर हमारे स्लाइसेस की जो कलियाँ हैं उसे हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, और वह ज़रूरी है क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए। प्याज को काटेंगे आधे में और जो फ्लैट साइड है उसे करेंगे कटिंग बोर्ड की तरफ, और ये देखिए ऐसे काटेंगे हम प्याज के पतले पतले स्लाइस। अब देखिए इस एंगल पर इजीली स्लाइस नहीं हो रहा, तो मैं प्याज को दूसरी साइड पर बोर्ड की तरफ लिटा देती हूँ, और बाकी का प्याज भी बिल्कुल सेम तरीके से ही कर लूँगी स्लाइस। अब प्याज के स्लाइस कितने पतले होने चाहिए ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा मोटे और बिल्कुल कागज़ की तरह पतले भी नहीं चाहिए, नहीं तो वह बिल्कुल ही जल जाएंगे गर्म तेल में। और स्लाइस बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने, अगर ज़्यादा मोटे रहेंगे स्लाइस तो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे और पकौड़ा क्रिस्प नहीं बनेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। चारों ही प्याज को कर लिया है स्लाइस और इन्हें ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सिंग बोल में, और अब हाथ से अच्छे से मसलते हुए, बहुत ही अच्छे से दबा कर मसलते हुए प्याज की सारी कलियों को कर लेंगे सेपरेट। हमने प्याज की आँख पहले ही निकाल दी थी, तो इन कलियों को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये करना ज़रूरी है, सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हर कली अच्छे से फ्राई होगी और तभी पकौड़ा बनेगा क्रिस्प। इस काम में आलस मत दिखाइएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन रिजल्ट्स तभी बढ़िया आते हैं। सारे ही स्लाइसेस सेपरेट हो जाएंगे, तो इसमें डालते हैं सबसे पहले तो नमक, 1 छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। साथ में 1/2 छोटा चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, अगर हो सके तो सौंठ की जगह 2 छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट डाल लें, चाहे सूखी अदरक डालें या फ्रेश, लेकिन डालिएगा ज़रूर, क्योंकि पकौड़े बना रहे हैं, पेट पर हल्के रहने चाहिए, तो ज़रूर डालना है अदरक भी और अजवाइन भी, यह भी ऑलमोस्ट 1/2 छोटे चम्मच जितना। अब इस तरह से हथेलियों के बीच में मसल कर डालूंगी ताकि अजवाइन के जो फ्लेवर्स हैं वह निकल कर आए पकौड़े में। साथ में 2 से 3 हरी मिर्च बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रिज में हमेशा ही ग्रीन चिली पेस्ट होता है, तो मैं 2 छोटे चम्मच जितना वह डाल रही हूँ, आप मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालें। और इसमें मैं साथ में डालने लगी हूँ 1/4 छोटे चम्मच जितना हल्दी पाउडर अच्छे से कलर के लिए। साथ में डालूंगी 1/2 कप जितना कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ इस मिक्स में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा बेसन से थोड़ा सा जल्दी कुक हो जाता है, तो उस वजह से वह पकौड़े को बना देता है बहुत ही क्रिस्प। अभी देखिए बेसन डालने से पहले ही मैं सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि प्याज की हर कली के ऊपर चावल का आटा लग जाए और नमक मिर्च भी अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाए। इसे मिक्स करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही देर में आपके हाथों में गीलापन फील हो रहा है। यह क्या चीज़ है? यह है सारा प्याज से जो मॉइस्चर निकल रहा है, नमक की वजह से प्याज का पानी निकल रहा है, और इसी पानी से हमारा यह मिक्स बनने वाला है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, उनमें से एक ये है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। यह प्याज के इसी मॉइस्चर से ही यह मिक्स तैयार होने वाला है, और इस मिक्स को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं बेसन। लेकिन दूसरी गलती जो बिल्कुल नहीं करनी कि सारा ही बेसन एक साथ डाल दो, वह बिल्कुल नहीं करना, बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैं अभी पहले डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। इसे भी बिल्कुल पहले की तरह ही मिक्स करेंगे अच्छे से मसलते हुए। अब जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे प्याज का पानी निकलता जाएगा और आपको फिर से मिक्स गीला लगने लगेगा, तब उस स्टेज पर और बेसन डालना है, और बेसन इतना ही डालना है कि हमारा यह मिक्स अच्छे से बाइंड हो जाए ताकि वह तेल में बिखरे नहीं। अब अगर आप खूब सारा बेसन एक साथ ही डाल देंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि बेसन ज़्यादा हो जाएगा, तब आप उस मिक्स को ठीक करने के लिए आप उसमें पानी डालेंगे, और उस बैटर से जब आप पकौड़े बनाएंगे तो आपके पकौड़े सॉफ्ट बनेंगे, क्रिस्प नहीं बनेंगे। अब यहाँ इस मिक्स में बेसन डालना शुरू करने से पहले मैंने गैस पर तेल की कढ़ाई भी चढ़ा दी थी मीडियम हीट पर, ताकि जब तक यह मिक्स बनेगा तब तक तेल भी गर्म हो जाएगा। आपने अगर गौर किया हो तो मैंने इसमें कोई बहुत ज़्यादा सूखे मसाले नहीं डाले हैं, उसका एक रीज़न है, हम प्याज के पकौड़े को एक स्टेज पर हाई हीट पर भी फ्राई करते हैं, मीडियम टू हाई हीट पर, तो हम नहीं चाहते कि वो सूखे मसाले उस हाई हीट पर जलें। आप जब हलवाई से पकौड़े ख़रीदते हैं तो वे यूजुअली उसके ऊपर चाट मसाला या फिर कुछ लाल मिर्च वगैरह
डालकर सर्व करते हैं, या फिर किसी चटनी के साथ देते हैं, लाल चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, ताकि पकौड़ा ओवरऑल स्पाइस अप हो सके। मैंने अभी इसमें 5 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है और अभी भी मैं देखूँ तो मिक्स काफ़ी गीला है। मैं चाहूँ तो इसमें और बेसन मिक्स कर सकती हूँ, लेकिन कहाँ पर रुकना है। आप जब बेसन डालते जाएंगे तो आपने बीच बीच में इसे चेक करते रहना है कि ये बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह से छोटी सी बॉल इकट्ठी करके देखनी है। ये देखिए, अगर तो इस तरह से बॉल बन रही है, बाइंड हो पा रहा है, यानी कि अब और बेसन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, डाला जा सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं है। हम जितना ज़्यादा इसमें बेसन डालते जाएंगे तो वह पकौड़ा उतना बेसनी होता जाएगा। बेसन और प्याज के रेशो में प्याज जितना ज़्यादा रहेगा उतना पकौड़ा हमारा कुरकुरा क्रिस्पी बनेगा। तो उसके लिए प्याज ज़्यादा, बेसन कम। अच्छा, मैं यहाँ पर जैसे बॉल बनाकर चेक कर रही हूँ, इस तरह की बॉल्स हमने ऑयल में नहीं डालनी है, डालना अलग तरीके से है। ये सिर्फ बाइंडिंग चेक करने के लिए है। तेल भी गर्म हो गया है, चलिए उसे भी चेक कर लेते हैं। तेल में बस थोड़ा सा टुकड़ा डालूँगी मिक्स का, और देखिए डालते ही तेल के बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं मिक्स के आसपास, तो इसका मतलब हमारा तेल है रेडी। मिक्स को तेल में डालने से पहले अगर उंगलियों के कोने कोने पे, बिल्कुल कोने पे अगर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो मिक्स इजीली तेल में डाला जाता है। और देखिए बस इस तरह से हमने ड्रॉप करना है, बॉल्स नहीं बनानी, सिर्फ बस थोड़ा सा बैटर उठाना है और उसे तेल में ड्रॉप कर देना है। थोड़ा थोड़ा बैटर ही डालना है ताकि पकौड़े बने छोटे छोटे, इससे हर पकौड़ा बनेगा क्रिस्पी। अभी हीट को भी लो कर देती हूँ जब तक बैटर तेल में डाल रही हूँ। इस पूरे मिक्स को मैं 2 बैचेस में तलने लगी हूँ। अभी पहला बैच तेल में चला जाएगा तो हीट को वापस से कर दूंगी लो और मीडियम के बीच में, और उस पर ही मैं पकौड़ों को करूंगी फ्राई। 1 से 1.5 मिनट के बाद अब पकौड़े के ऊपर वाले सरफेस पे भी इस तरह से तेल डाल देंगे, गरम गरम तेल, ताकि ऊपर के सरफेस की फ्राइंग भी चालू हो जाए। और फिर उसके बाद इन पकौड़ों को पलट पलट कर तलना है। ऑलमोस्ट 4 मिनट के बाद देखिए अब बेसन पक चुका है, लेकिन प्याज का जो कलर है वह अभी भी लाइट पिंक है, तो प्याज अभी सॉफ्ट है। अब हीट को तेज़ कर देंगे, हाई पर रखिए या मीडियम और हाई के बीच में रखें। बस ये ध्यान रखें कि पकौड़े जलने नहीं चाहिए, और पकौड़ों को बराबर चलाते हुए पलट पलट कर सारे ही पकौड़ों को आपने फ्राई कर लेना है। बहुत जल्दी हो जाता है ये स्टेप, तो खास ध्यान रखना है। और देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो पकौड़ों को निकालना है। तो प्याज सरफेस का है वो जलेगा नहीं, लेकिन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा। अब जब हम यूजुअली घर में बनाते हैं पकौड़े तो बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, गर्मा गर्म खाए भी जाते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी के लिए बनाना हो, गैदरिंग के लिए बहुत सारे पकौड़े बनाने हैं, तो बिल्कुल वही काम करना है जो कि हलवाई करते हैं। सेकंड बैच के साथ मैं आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाती हूँ। नेक्स्ट बैच तेल में डालने से पहले अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही ढीला हो गया है, तो आप 1 या 2 छोटे चम्मच या ज़रूरत अनुसार उसमें बेसन और मिला लें। मैंने एक पकौड़ा डाल कर देखा है, बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें और बेसन नहीं मिला रही। तो अब ये पकौड़े भी डाल देती हूँ तेल में। कुछ देर में जब पकौड़े सेमी फ्राई हो जाते हैं कि बेसन पक गया है, प्याज भी हल्का हल्का पिंक है, तो हलवाई इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर जब कस्टमर आता है गरम गरम पकौड़ों के लिए, तो गरम तेल में, अच्छे तेज़ गरम तेल में इन ठंडे पकौड़ों को दोबारा से फ्राई किया जाता है, जिसे कहते हैं फ्लैश फ्राई। अब ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है। अभी कढ़ाई में जितने पकौड़े हैं ये तो 1 मिनट लगेगा और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो बराबर पलटते रहना है ताकि इवनली फ्राई हों और जलें भी ना। खास ध्यान रखना है इस स्टेज पर। ऐसे बनाते हैं हलवाई प्याज का पकौड़ा या फिर कांदा भजिया। अब यही चीज़ आप घर में भी कर सकते हैं। ये स्पेशली तब काम आता है अगर बहुत सारे पकौड़े बनाने हों, तो आप पहले सेमी फ्राई करके रख लें और जिस टाइम पर सर्व करना हो फ्लैश फ्राई करें और झटपट से सभी को ही इकट्ठे गरम गरम पकौड़े सर्व कर दें। और ये सुनिए कितने क्रिस्प बने हैं पकौड़े। पकौड़े सर्व करने से पहले उसके ऊपर स्प्रिंकल करें थोड़ा सा चाट मसाला, और साथ में मिल जाए गरम गरम चाय, तो बस मज़े ही आ जाएँ। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।